Hey, hello. This is Mr. Bajrang, and you are going to watch my channel, Mr. Bajrang Sir. In today's video lecture, we are going to learn the topic by the name of Modal, Mega Trick, Part 4. This is actually the maternal grandfather of the trick as I see it. Dear students, do feel free to ask me the question in case you have any matter of the confusion while studying the topic through the comments, and I'll feel much pleasure to give you the answer of your certain question based on Modal. So let's set the ball rolling on without any delay. There should be no subject to be scared for every student. So let's switch to Hindi. घबराने की कोई जरूरत नहीं है. आप सभी हमारी तमाम बातों को बखूबी समझ सकें इसके लिए मैं अपनी बातों को अब हिंदी में रखने जा रहा हूँ ताकि आप सब बहुत बेहतर ढंग से मॉडल को समझ सकें. आज की इस खूबसूरत कड़ी में मैंने आपके लिए दोस्तों वुड के उपयोग को लाया है, वुड के महाट्रिक को लाया है. वुड के महाट्रिक पढ़ लेने से आपकी बहुत सारी समस्याएँ खत्म हो जाएगी जहाँ तक खाली स्थान का सवाल है, क्योंकि वुड पर आधारित भी प्रॉब्लम कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों. तो चलिए आज वुड की यात्रा का आगाज़ करें. तो आप वुड देख पा रहे हैं ना? देखिए वुड के ऊपर आप महाट्रिक लिखा हुआ देख पा रहे हैं, देख रहे हैं ना? जी हाँ. और उसके नीचे आप देख रहे हैं टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, मीन्स बीते हुए आदत को व्यक्त करने के लिए. जब भी हमें बीते हुए आदत को व्यक्त करना हो, बीते हुए आदत के बारे में बताना हो, तो उस बात को बताने के लिए हम लोग वुड का उपयोग करते हैं. जैसे मैं किताब पढ़ा करता था, आई वुड रीड अ बुक. यूज टू भी यूज करते हैं, वुड का भी यूज कर सकते हैं बीते हुए आदत को व्यक्त करने के लिए. वह अंगूठा चबाया करता था, ही वुड च्यू अ थंब. ठीक है, तो बीते हुए आदत को व्यक्त करने के लिए हम लोग वुड का उपयोग करते हैं. दूसरा उपयोग आप देख रहे हैं ऊपर महाट्रिक के ऊपर दो नंबर में, पोलाइट स्पीच. जब भी विनम्रतापूर्ण बात को रखनी पड़ती है, विनम्रता भरी बात को रखनी पड़ती है, तो वहाँ भी हम वुड का उपयोग करते हैं. ठीक है, जैसे वुड यू माइंड माई सीटिंग हेयर, क्या आपको कोई ऐतराज़ होगी मेरे यहाँ बैठने से, मेरे यहाँ बैठने से क्या आपको कोई ऐतराज़ होगी. तो देखा आपने, हमने इसमें वुड का यूज कर लिया है. ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में भी वुड का यूज होता है. जैसे वुड यू प्लीज़ मूव अ लिटल बीट, क्या आप कृपा करके थोड़ा खिसकेंगे. तो विनम्रतापूर्ण जब भी अभिव्यक्ति को करनी होती है तो वुड का यूज करते हैं. हाँ, वुड का भी यूज़ कर सकते हैं, वुड का भी यूज होता है. ठीक है, तीसरा है विलिंगनेस इन द पास्ट, बीते हुए समय की इच्छा को जाहिर करने के लिए भी हम वुड का उपयोग करते हैं. ठीक है, बीते हुए समय की कोई इच्छा को हम बताते हैं तो वहाँ भी हम वुड का उपयोग कर लेते हैं. दोस्तों वुड जहाँ आप लिखा देख पा रहे हैं उसके नीचे बाई तरफ देखिए टू डिनोट कंडीशन और अनसर्टेनिटी. जी हाँ, शर्त या अनिश्चितता को बताने के लिए भी वुड का उपयोग होता है. शर्त जैसे इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता. एक शर्त है कि यदि ऐसा होता तो ऐसा करता. या अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, जिसकी कोई निश्चितता नहीं है. जैसे हैड आई गॉन टू आगरा, यदि मैं आगरा गया होता तो आई वुड हैव सीन द ताजमहल, तो मैं ताजमहल को देखा होता. है ना, तो ऐसी स्थितियों में हम वुड का उपयोग करते हैं. इफ़ आई वर इन योर शूज, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड चेंज दिस सीन, तो मैं इस दृश्य को बदल देता. है ना, तो ऐसी स्थितियों में आप वुड का उपयोग करते हैं. इसके अलावा टू एक्सप्रेस अ विश, कोई इच्छा को जाहिर करने के लिए भी हम वुड का उपयोग कर लिया करते हैं. ठीक है, अब जैसे है
आई वुड नो वट माई ड्यूटी इज, मुझे जानने की इच्छा है कि मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। ठीक है, तो इच्छा को व्यक्त करने के लिए जैसे आई वुड लाइक टू ईट, मैं खाना चाहूँगा, मैं खाना पसंद करूँगा। ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रिंक स्प्राइट, मैं स्प्राइट पीना पसंद करूँगा। तो इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी वुड का उपयोग होता है। तो ये तो आपने मुट्ठी भर वुड के प्रयोग को देखा है, वुड के उपयोगों को समझा है, जाना है। वैसे तो मैं वुड के ढेर सारे यूजेस सिखाता हूँ, लेकिन इस छोटे से एपिसोड में हम बस कुछ ही बातों को रखने की कोशिश की है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तो महाट्रिक एक थियोरी टाइप में थी। अब हम ट्रिक का नाना यानी वुड को खाली स्थान में कैसे भरें, उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ ट्रिक्स लाया है, उसे आइए गौर करते हैं। दोस्तों, ट्रिक का नाना आप दाईं तरफ देख पा रहे हैं, आप इस स्लाइड के दाईं तरफ ट्रिक का नाना देख पा रहे हैं ना? जी हाँ, तो देखिए गौर से उसके जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है, डॉट डॉट यू प्लीज। दोस्तों, मैंने आपको कुड में बताया था कि जब किसी वाक्य के अंत में प्लीज लगी हो तो आप वहाँ कुड लगाइए, लेकिन यहाँ देखिए एकदम शुरू में खाली स्थान है और उसके बाद यू प्लीज है। तो जब भी एकदम शुरू में खाली स्थान हो और उसके बाद यू प्लीज हो, तो शुरुआती खाली स्थान में हमें वुड भरना है। जैसे वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप कृपा करके मेरी सहायता करेंगे? वुड यू प्लीज़ फिल अप माई फॉर्म, क्या आप कृपा करके मेरी फॉर्म भर देंगे? वुड यू प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप कृपा करके एक ग्लास पानी ला देंगे? तो एकदम शुरू में भी हम वुड लगाते हैं तब जब उसके तुरंत बाद यू प्लीज़ लगी हो। सबसे शुरुआत में यदि खाली स्थान हो और उसके तुरंत बाद यू प्लीज हो, यू प्लीज, ठीक है, तो हम उस खाली स्थान में वुड भरते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर में देखिए लाइक टू। जिस सेंटेंस में लाइक टू लगी हो उसमें भी वुड का ही उपयोग होता है। जैसे ही वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना पसंद करेगा। ठीक है, रादर का उपयोग जहाँ हो वहाँ भी अक्सर वुड लगा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा माइंड, जो कि आपने मेगा ट्रिक PART-1 मॉडल का पढ़ा था, वहाँ भी देखा था कि माइंड लगे होने पर वुड लगाते हैं। तो यहाँ भी मैंने दे दिया एक बार फिर से। तो राधर वाले सेंटेंस में भी प्रायः वुड लगते हैं मॉडल के तौर पे, और माइंड वाला जो सेंटेंस दिया हो वहाँ भी यदि मॉडल भरनी हो तो हमें वुड ही भरने हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यदि सेंटेंस में इफ़ लगी हो, ठीक है, सब्जेक्ट हो और वेर लगी हो, WERE वेर, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेर, जैसे इफ़ आई वर अ बर्ड, ठीक है, इफ़ आई वर अ किंग, इफ ही वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ठीक है, तो इफ़ सब्जेक्ट और वर्ड लगी हो तो भी आपको खाली स्थान में उड़ भरने हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, यदि इफ हो और उसके बाद पास्ट टेंस हो, जैसे इफ़ ही प्लेड, इफ यू एट अ मैंगो, ऐसी कुछ चीज़ें दी गई हो, इफ़ और पास्ट टेंस, खासतौर पर सिंपल पास्ट टेंस रहेंगे, है ना, या पास्ट परफेक्ट भी रह सकते हैं, तो आपको खाली स्थान में यदि मॉडल भरनी हो, सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट रहेंगे इफ़ के तुरंत बाद। ठीक है, यदि ऐसा कोई सेंटेंस दिख रहा है तो उसमें भी यदि मॉडल भरनी है तो मॉडल भरने के तौर पर वहाँ पर वुड ही आया करते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, जब कोई सेंटेंस के शुरुआत में हेड लगी हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो और फिर V3 हो, तो उससे आगे वाला जो पोर्शन होगा सेंटेंस में वहाँ भी वुड ही लगता है। जैसे हैड आई गॉन टू आगरा, यदि मैं आगरा गया होता, आई डॉट डॉट हैव सीन द ताजमहल। दोस्तों, आपको मैंने बताया है वुड लगेगा, तो आई वुड हैव सीन द ताजमहल, तो वुड लग जाएगा। तो याद रखिए, एकदम शुरू में हैड, फिर सब्जेक्ट और V3, तो अगला पोर्शन में मॉडल कौन सा भरा जाएगा? वुड भरा जाएगा। ठीक है, इफ़ और पास्ट टेंस हो, सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर तो आप जानते ही है, तो अगला जो यदि पोर्शन उसमें दिया हुआ हो तो उसके लिए यदि मॉडल भरनी हो तो हमें वुड भरने हैं। ठीक है, इफ़ सब्जेक्ट और वर्ड दी हुई है WERE, तो अगले पोर्शन में हमें वुड ही भरने हैं। माइंड मिलने पर उड़ भरने हैं, रादर मिलने पर उड़ भरने हैं, लाइक टू मिलने पर उड़ भरने हैं, एकदम शुरुआत में खाली स्थान होने पर और उसके तुरंत बाद यू प्लीज होने पर उड़ भरने हैं।
आप इतना दिमाग में रख लीजिए ना, आप उड़ से संबंधित खाली स्थान भर लेंगे, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। ठीक है, आपकी परीक्षा बहुत खूबसूरत ढंग से गुजरे, आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकें और मॉडल के आपके एक मार्क भी कट ना सके। इसकी शुभकामनाओं के साथ मैं इस एपिसोड को ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हिट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड लीव योर कमेंट्स फॉर मोर सच वंडरफुल वीडियोज़। गॉड ब्लेस यू एंड